रंगा और बिल्ला दो ऐसे नाम हैं जो शायद हमने बचपन से ही सुने हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग रंगा और बिल्ला के गुनाह से अनजान होंगे। इन दोनों ने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था जिससे पूरा देश आग बबूला हो उठा था और पूरा देश सदमे में था। वो कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी गुस्से से भर जाएंगे और शायद आपकी रूह भी कांप जाए। इन दोनों का गुनाह इतना बड़ा था कि इन्हें फांसी दे दी गई। इन दोनों से लोगों को इतनी नफरत हो गई थी कि फांसी के बाद रंगा और बिल्ला की लाश को भी इनके अपने घर वालों ने लेने से मना कर दिया था। आखिर रंगा और बिल्ला की पूरी कहानी क्या है और इनका अपराध क्या था, चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, रंगा और बिल्ला का नाम पहली बार सितंबर 1978 में चर्चा में आया। ये दोनों अपने एक और साथी के साथ मिलकर मुंबई में चोरी किया करते थे। एक मामले में इनका तीसरा साथी पकड़ा जाता है। ऐसे में ये दोनों भी डर जाते हैं कि शायद पुलिस इन्हें भी पकड़ लेगी। दोनों मुंबई से एक गाड़ी चुराते हैं और वहां से रातों रात राजस्थान निकल जाते हैं। राजस्थान में कुछ दिन ठहरने के बाद ये गुजरात जाते हैं, लेकिन वहां भी इनका मन नहीं लगता और फिर वहां से रंगा और बिल्ला ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाते हैं। रंगा और बिल्ला 16 अगस्त 1978 को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आते ही ये दोनों मजलिस पार्क के करीब एक कमरा किराए पर लेते हैं और 2 महीने का पैसा एडवांस में दे देते हैं। दोस्तों, दिल्ली आकर इन दोनों का मकसद काम करने का नहीं था, बल्कि यहाँ भी ये दोनों चोरी और किडनैपिंग की नीयत से ही आए थे। दिल्ली आकर अशोका होटल में 26 अगस्त 1978 को ये लोग एक नई फिएट कार चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट बदलकर शहर में घूमने लगते हैं। कार चुराने के बाद इन दोनों का मकसद था कि किसी कपल को लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया जाए और फिर उन दोनों को किडनैप करके उनके घर ले जाया जाए और वहां पर उनकी लूटपाट की जाए। दूसरी तरफ 26 अगस्त 1978 को दिल्ली में हो रही हल्की फुल्की बारिश के बीच खुशगवार मौसम में एक परिवार ऐसा था जहां एक अलग ही खुशी थी। ये परिवार था इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का। इस परिवार की खुशी की वजह यह थी कि मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता चोपड़ा और बेटे संजय चोपड़ा शाम में आकाशवाणी रेडियो पर आने वाले थे और उनका एक मशहूर प्रोग्राम था जिसका नाम था युगवाणी। इस प्रोग्राम में ये दोनों प्रस्तुति देने वाले थे। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल की थी और ये जीसस एंड मेरी कॉलेज नई दिल्ली में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वहीं गीता चोपड़ा का भाई संजय चोपड़ा क्लास 10वीं में था और वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। संजय की उम्र 14 साल की थी। उस दिन कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा काफ़ी बिजी थे, इसलिए वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम दोनों ऑटो से या लिफ्ट लेकर आकाशवाणी स्टूडियो चले जाओ, मैं रात में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद स्टूडियो से ही तुम लोगों को रिसीव कर लूँगा। उन दिनों दिल्ली में लिफ्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और लोग प्राइवेट टैक्सी लेने की बजाय एक दूसरे से लिफ्ट मांग लिया करते थे। अपने पिता की बातें सुनकर गीता और संजय घर से तैयार होकर शाम को 6:15 बजे आकाशवाणी स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बच्चे अपने घर से निकलकर सड़क पर एक गोलंबर के करीब आकर रुक जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक कार में लिफ्ट लेते हुए धौलाकुआं से गोल डाकखाना तक आते हैं। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे और बूंदाबांदी थोड़ी तेज हो चुकी थी। बारिश के बीच ये दोनों बच्चे किसी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं ताकि आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचा जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन दोनों को एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार नजर आती है। फिएट को देखते ही ये दोनों भाई बहन गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। इन दोनों भाई बहनों ने जिस गाड़ी को रुकने का इशारा किया था, ये वही गाड़ी थी जिसे रंगा और बिल्ला चला रहे थे और सुबह से सड़क पर अपने शिकार की तलाश में थे। वैसे तो ये दोनों एक कपल को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर शाम हो चुकी थी और इन्हें अपना शिकार नहीं मिला था। इसीलिए इन्होंने जब इन दोनों बच्चों को देखा और उनके पहनावे को देखा तो रंगा और बिल्ला को लगा कि ये दोनों बच्चे ज़रूर किसी अमीर घर के होंगे। ऐसे में इनको किडनैप करके अच्छा पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए बच्चे जैसे ही इशारा करते हैं ये दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी के रुकते ही ये दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें आकाशवाणी स्टूडियो तक पहुंचा दीजिए। बच्चों की बात सुनकर रंगा बिल्ला उन्हें छोड़ने की हामी भरते हैं और इन दोनों को गाड़ी में बिठा लेते हैं। गीता और संजय के गाड़ी में बैठते ही ड्राइविंग सीट संभाले हुए रंगा गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इधर बिल्ला उन बच्चों से उनका नाम और उनके पिता का नाम पूछता है, साथ ही ये भी पूछता है कि उनके पिता क्या करते हैं। जब रंगा और बिल्ला को पता चलता है कि संजय और गीता मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी के अधिकारी के बच्चे हैं, तो इन दोनों को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद इनके घर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब ये दोनों दूसरी प्लानिंग बनाने लगते हैं। रंगा और बिल्ला इशारों इशारों में कुछ बातें करने लगते हैं।
इधर संजय और गीता अब इंतजार कर रहे होते हैं कि अगले ही पल वो आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंच जाएंगे। मगर तभी गीता नोटिस करती है कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी आकाशवाणी की तरफ जाने वाले रास्ते से हटाकर एक अनजान सड़क पर मोड़ ली है। इस पर गीता और संजय दोनों ड्राइवर को टोकते हैं तो बिल्ला जवाब देता है कि बारिश की वजह से आगे कुछ दिक्कत हो गई है, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से वहां पहुंचेंगे। ड्राइवर की बात सुनकर गीता और संजय को लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो दोनों ड्राइवरों को कहते हैं कि गाड़ी रोक दीजिए और हमें यहीं उतार दीजिए। मगर रंगा और बिल्ला बहुत शातिर होते हैं और ये गाड़ी रोकने की बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा देते हैं। रंगा और बिल्ला इतने शातिर थे कि इन दिनों में गाड़ी चुराने के बाद गाड़ी के दोनों गेटों के अंदर से खोलने वाली हैंडल को पहले से ही हटा देते थे, इसीलिए जब रंगा बिल्ला गाड़ी नहीं रोकते तो गीता और संजय खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हैंडल ना होने की वजह से ये दोनों गेट नहीं खोल पाते हैं। अब गाड़ी के अंदर संजय और गीता रंगा और बिल्ला से लगातार गाड़ी रोकने की जिद करते हैं। जब बात नहीं बनती तो अपनी पूरी शक्ति के साथ गीता और संजय रंगा बिल्ला पर हमला करते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि रंगा और बिल्ला ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई थी जिससे उसने संजय को घायल कर दिया था। घायल होने के बावजूद ये दोनों बड़ी बहादुरी से रंगा और बिल्ला का मुकाबला कर रहे होते हैं। तब तक गाड़ी चलते हुए गोल डाक खाना के करीब आ पहुंचती है। यहाँ पर भगवान दास नाम के एक व्यक्ति की नज़र इस कार पर पड़ती है। भगवान दास उस समय अपने स्कूटर पर सवार थे। भगवान दास देखते हैं कि गाड़ी की अगली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है जबकि पिछली सीट पर दो बच्चे हैं जो लगातार गाड़ी के अंदर से चीख चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस पर भगवान दास अपनी स्कूटर से उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर ये उसको रोक नहीं पाते। रंगा बिल्ला की कार को कुछ और लोग भी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं रुकती और पूरी रफ्तार से भागती रहती है। एक जगह ऐसे ही एक आदमी ने देखा कि कार के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जब वो व्यक्ति नज़दीक आया तो उसने देखा कि पिछली सीट पर बैठी लड़की ड्राइवर के बाल खींचकर मदद करने के लिए चिल्ला रही है, जबकि लड़का अगले सीट पर बैठे उस दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है। दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये नज़ारा देखकर उस व्यक्ति ने भी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया और कार वहाँ से विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ चली गई। इधर जब भगवान दास कार को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में 7:45 के आसपास कॉल किया और उन्होंने जो कुछ भी देखा वो पुलिस को बताया। भगवान दास ने कार का नंबर भी नोट कर लिया था। कार का नंबर था HRK 8930। भगवान दास ने जब पुलिस को कार का नंबर लिखवाया तो पुलिस से एक गलती हो गई और पुलिस वालों ने HRK 8930 की जगह MRK 8930 नोट कर लिया। गलत नंबर होने की वजह से पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कुछ समय बाद उसी कार पर DDA के एक जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह की भी नज़र पड़ी। उन्होंने भी कार के अंदर एक लड़की और लड़के को घायल अवस्था में देखा। इंद्रजीत ने भी कार का पीछा किया मगर कार रेड सिग्नल तोड़कर भाग गई। यहाँ भी किस्मत से इंद्रजीत सिंह ने कार का नंबर नोट कर लिया और तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। मामला काफ़ी गंभीर था। इसके बावजूद आरोप ये लगाया जाता है कि लगातार कंप्लेंट मिलने के बावजूद पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और अधिकार क्षेत्र से बाहर की घटना बताकर राजेंद्र नगर पुलिस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर रंगा और बिल्ला बड़े आराम से गीता और संजय को अपने कब्जे में लेकर अपने रास्ते की तरफ निकल गए। इधर रात के 8 बज रहे थे। इसी समय आकाशवाणी पर गीता और संजय का प्रोग्राम होना था, इसीलिए इनके माता पिता बड़ी बेसब्री से 8 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो इन दोनों को एक झटका सा लगा क्योंकि कार्यक्रम में गीता और संजय की जगह कोई और ही था। यह सुनकर मदन मोहन चोपड़ा निराश हुए और उन्होंने अपनी स्कूटर उठाई और 9:45 पर संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी ऑफिस चले गए ताकि अपने बच्चों को वहां से लेकर आ सके। मगर जब ये वहां पहुंचे तो इन्हें जानकारी मिली कि गीता और संजय तो यहां पहुंचे ही नहीं हैं। इतना सुनते ही मदन मोहन चोपड़ा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो सोच में पड़ गए कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए होंगे। खोजबीन शुरू होती है तो ये पता चलता है कि बच्चे घर पर नहीं आए और वो दोनों भाई बहन ना ही किसी दोस्त के घर गए और ना ही किसी रिश्तेदार के। काफ़ी देर तक वो लोग अपने स्तर से खोजबीन करते हैं और जब कुछ नहीं पता चलता तो आखिरकार रात के 10:15 गीता और संजय के पिता मदन मोहन पुलिस में अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस इधर उधर खोजबीन करती है मगर इन बच्चों का कहीं भी अता पता नहीं लग पाता।
इधर सभी की आंखों में धूल झोंकते हुए रंगा और बिल्ला गीता और संजय चोपड़ा के साथ जो हैवानियत करते हैं उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। रास्ते पर दोनों बच्चे अपनी पूरी ताकत से इन दोनों हैवानों से बचने की कोशिश करते रहते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते। अंत में रंगा इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों शांत रहो, आगे जहां भी कोई कपल दिखेगा वहां मैं गाड़ी रोक दूंगा और तुम दोनों उतर जाना, लेकिन मैं तुम दोनों को इस शर्त पर छोड़ूंगा कि कहीं भी मेरे बारे में तुम लोग बात नहीं करोगे। गीता और संजय रिहाई की उम्मीद में शांत हो जाते हैं मगर रंगा और बिल्ला उस कार को तेजी से भगाते हुए बुद्धा गार्डन की तरफ मौजूद रिज इलाके में ले जाते हैं और एक सुनसान जगह देखकर झाड़ियों के पीछे अपनी कार को खड़ा कर देते हैं। जंगल में कार खड़ी करने के बाद रंगा कार से संजय चोपड़ा को कहते हुए उतारता है कि चलो मैं तुम्हें वहां ले जाकर आजाद छोड़ दूंगा, मगर कार से लगभग 100 कदम दूर ले जाकर रंगा अपने पास मौजूद तलवार से सीधा संजय चोपड़ा की गर्दन पर वार करता है जिससे संजय वहीं पर ढेर हो जाता है। हालांकि तब तक वो मरा नहीं होता। इधर रंगा संजय की हत्या कर रहा होता है, उधर बिल्ला कार में मौजूद गीता चोपड़ा को पहले बुरी तरीके से मारता है, उसके कपड़े फाड़ता है और फिर अपने पास एक चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार करने लगता है। गीता का बलात्कार करने के बाद गीता को कार में बंद करके बिल्ला उसी तरफ आता है जहां रंगा संजय को लेकर आया था। यहां पर रंगा और बिल्ला आपस में कुछ बात करते हैं और फिर बिल्ला रंगा के हाथ से तलवार लेता है और संजय के पास जाता है और एक के बाद एक संजय पर कई वार करते हुए संजय को वहीं खत्म कर देता है। उधर जब बिल्ला संजय की हत्या कर रहा होता है तब कार में रंगा आ जाता है और अब वो गीता चोपड़ा को बड़ी बेरहमी से मारता है और दरिंदगी के साथ अपनी हदों को पार करते हुए गीता का बलात्कार करता है। गीता बचने के लिए पूरी कोशिश करती है मगर वो नाकाम रहती है। अपनी हवस पूरी करने के बाद रंगा गीता को फिर से कार में बंद करके बाहर आ जाता है। इधर कार के अंदर गीता चोपड़ा लगातार अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। इस पर रंगा बिल्ला गीता को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला देता हूँ। इतना कहने के बाद रंगा और बिल्ला गीता को अपने साथ लेकर उस जगह पर ले आते हैं जहां पर इन दोनों ने मिलकर संजय की हत्या की थी। भाई की लाश को देखकर गीता का कलेजा फट जाता है। इससे पहले वो कुछ कह पाती उससे पहले ही बिल्ला ने तलवार निकालकर सीधा गीता के गर्दन पर वार कर दिया और गीता एक ही झटके में जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बड़ी बेरहमी से संजय और गीता की हत्या के बाद रंगा और बिल्ला इन दोनों की लाश को घसीट कर झाड़ी के अंदर फेंक देते हैं और वापस उसी कार में आ जाते हैं। जब तक गीता और संजय रंगा बिल्ला के कब्जे में थे इन दोनों ने बड़ी ही बहादुरी से इन दोनों दरिंदों का मुकाबला किया था। इसी दौरान एक बार गीता ने बिल्ला की तलवार भी छीन ली थी और उसके सर पर वार कर दिया था जिससे बिल्ला के सर पर एक बड़ा कट लग गया था। इससे लगातार खून भी बह रहा था। इसीलिए अपनी हवस मिटाने और गीता और संजय की हत्या करने के बाद रंगा बिल्ला पहले अपनी कार का नंबर प्लेट बदलते हैं और सीधे अपनी कार को विलिंगडन हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि बिल्ला के सर से काफ़ी खून बह चुका होता है। अब रात के 10:30 बज रहे थे। क्योंकि बिल्ला के सर पर गहरी चोट लगी थी इसीलिए डॉक्टर तुरंत बिल्ला के सर का एक्सरे करते हैं और जख्म पर टांके लगा देते हैं और कुछ दवाइयाँ देकर दोनों को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल में रंगा और बिल्ला दोनों गलत नाम और पता लिखवा के बैठे होते हैं। क्योंकि बिल्ला के सर पर गहरी चोट होती है इसीलिए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल द्वारा तत्कालीन ही पुलिस को खबर कर दी जाती है और जब पुलिस चोट की वजह पूछती है तो बिल्ला बताता है कि हम दोनों आ रहे थे और बंगला साहेब रोड पर काली मंदिर के पास कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारे पास मौजूद घड़ी पैसे छीन लिए, साथ ही लोहे के रॉड से हमारे सर पर मारा जिससे ये जख्म हो गया। हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस तत्काल ही इस घटना की जानकारी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को देती है। इसके बाद रात 10:50 पर पुलिस वालों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। इधर डॉक्टर ने बिल्ला को चोट गहरी होने की वजह से हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था मगर रात के 11:10 पर ये दोनों हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले पहले उनसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं जहां इनके साथ छीना छपटी हुई थी। रंगा बिल्ला तो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द वहां से भागना चाहते थे मगर पुलिस वालों के कहने पर वो उन्हें उस मनगढ़ंत जगह पर ले गए और पुलिस को अपनी बातों में उलझाए रखा। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को वहां पर छीना झपटी संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस रंगा बिल्ला को लेकर थाने ले आती है, लेकिन यहां से रात के 1:45 पर
रंगा और बिल्ला कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं, जबकि पुलिस उन्हें कहती है कि कल आप दिन में फिर से आना। ये दोनों रात के अंधेरे में थाने से निकलते ही अपने किराए के कमरे में वापस आते हैं, यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और वहीं से मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद रंगा और बिल्ला आगरा में आकर छुप जाते हैं। इधर गीता और संजय के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की है, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, मगर पुलिस को इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला था। इधर दोनों के गायब होने के दो दिन बाद यानी 28 अगस्त 1978 को सुबह के 6 बजे धनीराम नाम का एक चरवाहा अपनी गायों को उसी इलाके में चरवा रहा था जहां उन दोनों बच्चों की हत्या की गई थी। जब धनीराम उस जगह से गुजरा तो जंगल में उसे कुछ कपड़े दिखाई दिए और कुछ और आगे आया तो उसे वो दोनों लाशें भी दिखी। अब चरवाहे ने इस बात की जानकारी तुरंत ही पुलिस में पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल रोहताश सिंह को दे दी। पुलिस की टीम मौके पर वहां पहुंची और दोनों लाशों को बरामद कर लिया। इन दोनों बच्चों के माता पिता को भी लाश की पहचान के लिए बुलाया गया और उन दोनों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ये लाश उन्हीं के बच्चों की है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और सभी छोटे बड़े सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि संजय चोपड़ा पर दर्जनों वार किए गए हैं, वहीं गीता चोपड़ा की हत्या करने से पहले उसका बलात्कार किया गया है, साथ ही उसके पूरे शरीर पर कई गंभीर वार भी किए गए हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस पर जल्द से जल्द उनके कातिलों को पकड़ने का दबाव बन रहा था, मगर कहीं ना कहीं मदन मोहन चोपड़ा को लग रहा था कि पुलिस इस मामले में सुस्ती बरत रही है। इसलिए दो दिन बाद मदन मोहन चोपड़ा ने मीडिया वालों को सामने आकर अपनी पूरी कहानी बताई और इंसाफ की गुहार लगाई। जब ये खबर मीडिया में छपी तो पूरा देश गुस्से से उबलने लगा। हर जगह बस इसी खबर की चर्चा थी। दिल्ली और देश में उस समय लगभग वैसा ही माहौल बन गया था जैसा कि निर्भया कांड के बाद बना था। पूरी दिल्ली सड़क पर थी और हर कोई संजय और गीता के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था, मगर घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। जिन लोगों ने कार में रंगा और बिल्ला को देखा था उनकी निशानदेही पर रंगा बिल्ला के कुछ स्केच भी तैयार किए गए और पूरे देश में इनके पोस्टर लगवाए गए। अखबारों में रंगा बिल्ला की पोस्टर छपवाए गए और साथ ही इन दोनों का सुराग देने वाले को मोटी रकम देने का ऐलान भी किया गया। इन सब के बावजूद हफ्ते दिन से ज्यादा बीत जाते हैं लेकिन रंगा बिल्ला पकड़ में नहीं आते और इससे देश भर के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ये मामला इतना बड़ा हो गया था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पूरी दिल्ली सड़क पर आई तो तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन पत्थरबाजी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और उन्हें भी चोट लग गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संजय और गीता के घर जाकर शोक प्रकट करने का फैसला किया, साथ ही जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने की हिदायत दिल्ली पुलिस को दी। अब इस मामले को प्रधानमंत्री खुद ही हैंडल कर रहे थे, इसीलिए पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। माहौल ऐसा बन चुका था कि रंगा बिल्ला भागते भी तो कब तक भागते और कहां भागते। इस घटना को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला दिल्ली से मुंबई भाग गए थे और मुंबई से आगरा। आगरा में कुछ दिन रुकने के बाद कहीं और भागने की नियत से 8 सितंबर 1978 को वो दोनों आगरा में यमुना रिवर ब्रिज के पास कालका मेल ट्रेन से एक बोगी में सवार हो गए। ये दोनों ट्रेन में चढ़ तो गए मगर गलती से उस बोगी में चढ़े जो केवल इंडियन आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व। जैसे ही दोनों ट्रेन के अंदर गए आर्मी के जवानों ने उन्हें घेर लिया और इनसे इनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे। इस पर रंगा और बिल्ला आर्मी के जवानों से झगड़ा करने लगे। इसी बीच उसी बोगी में मौजूद इंडियन आर्मी के जवान लांस नायक एबी शेट्टी ने इन दोनों को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने रंगा और बिल्ला के केस का अखबार में डिटेल में ब्यौरा पढ़ा था। इसीलिए जैसे ही उन्हें शक हुआ कि ये रंगा बिल्ला हो सकते हैं, आर्मी वालों ने तुरंत रंगा बिल्ला को बांध दिया और 9 सितंबर 1978 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आर्मी वालों ने इन दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद तत्काल ही पुलिस ने इनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक तलवार मिली जिससे रंगा बिल्ला ने गीता और संजय की हत्या की और इसके अलावा बैग से वो कपड़ा भी मिला जो कपड़ा रंगा और बिल्ला ने घटना वाले दिन पहना हुआ था। उस कपड़े पर खून के निशान थे। इसके तुरंत बाद पुलिस रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार करके पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में रंगा बिल्ला इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर देते हैं, मगर जिस हॉस्पिटल में बिल्ला का इलाज करवाया गया था उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि उस रात यही दोनों हॉस्पिटल में आए थे। अपराधी तो पकड़े जा चुके थे मगर सबूत के बिना कोर्ट भी कुछ नहीं सुनता।
इसीलिए पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रंगा और बिल्ला पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं। इसके अलावा इस मामले में कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं जो काफी अहम साबित होते हैं। दरअसल जो कपड़ा रंगा और बिल्ला के पास से पाया गया था, उस कपड़े पर जांच के दौरान ये पाया गया कि वो खून के निशान गीता और संजय के ही थे। इधर कुछ दिन पहले पुलिस ने उस कार को भी ढूंढ निकाला जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में हुआ था। उस कार से पुलिस ने जो बाल बरामद किए थे, वही बाल संजय चोपड़ा के शरीर पर भी पाए गए थे और ये दोनों सैंपल रंगा के बालों से मेल खाते थे। इसके अलावा बिल्ला के बाल गीता चोपड़ा के बदन पर मिले थे। जब रंगा और बिल्ला गीता के साथ बलात्कार कर रहे थे तो गीता ने बचने के लिए अपने नाखूनों का भी इस्तेमाल किया था। गीता के नाखूनों से जो नमूने इकट्ठा किए गए वो सभी रंगा और बिल्ला से मैच कर रहे थे। मिट्टी के जो नमूने लाश से लिए गए थे वही नमूने रंगा बिल्ला के कपड़ों पर भी थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तलवार को भी बरामद कर लिया था। गीता के बलात्कार और हत्या के बाद ये दोनों जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ इन दोनों ने अपने फिंगरप्रिंट्स एक्सरे प्लेट पर छोड़ दिए थे। इस पूरे मामले में वो बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ। कुल मिलाकर सभी सबूत चीख चीख कर इसी बात की गवाही दे रहे थे कि पूरी हैवानियत रंगा और बिल्ला की ही है। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। आखिरकार कोर्ट में सबसे पहले एडिशनल सेशन जज के द्वारा रंगा बिल्ला को मर्डर, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग समेत विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले को रंगा और बिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर 16 नवंबर 1989 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन दोनों की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद रंगा बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। अंत में इन्होंने फांसी के खिलाफ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन दायर की, मगर राष्ट्रपति ने भी इनकी ये याचिका खारिज कर दी और फांसी के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। जब रंगा और बिल्ला के सभी कानूनी दरवाजे बंद हो गए तो आखिरकार 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद किसी ने इन दोनों के शवों को भी स्वीकार नहीं किया और पुलिस ने ही जेल के अंदर इन दोनों का अंतिम संस्कार किया। जो दुख और दर्द रंगा और बिल्ला ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा और इनके माता पिता को दिया था, उसके सामने शायद फांसी की सजा भी कम थी, मगर ये सजा उस दर्द पर मरहम जैसी जरूर। इस पूरे मामले की सुनवाई काफी तेजी से हुई थी और रिकॉर्ड तरीके से 4 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने के बाद अपराधियों को फांसी भी दे दी गई। इससे पहले सिर्फ गांधी जी की हत्याकांड वाला केस ही एकमात्र केस था जिसमें अपराधियों को 4 साल के अंदर फांसी की सजा दे दी गई थी। गीता और संजय की हत्या के बाद दिल्ली में लिफ्ट लेने देने की प्रथा बंद हो गई। चूंकि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ने बड़ी बहादुरी से रंगा बिल्ला का मुकाबला किया था, इसीलिए इनके सम्मान में भारत सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार भी जारी किया गया। हर साल 26 जनवरी के मौके पर जो वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है उसमें से एक पुरस्कार गीता चोपड़ा के नाम पर है, जबकि दूसरा पुरस्कार संजय चोपड़ा के नाम पर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जुर्म की दुनिया की एक और दिल दहला देने वाली दास्तां के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।